नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में। कोटा बूंदी लोकसभा की ये विधानसभा क्षेत्र है। जनता से जानेंगे किसका पलड़ा कितना भारी। रात के 12 बजने वाले हैं। अभी तक तांता लगा हुआ है प्रहलाद गुंजल के लिए। यहाँ पर जनसभा के लिए लोग इकट्ठा होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनसे जानेंगे क्या कारण है ऐसा। लोकसभा अध्यक्ष है इनके सांसद, उसके बावजूद प्रहलाद गुंजल में ऐसा क्या है कि अब तक इस वक्त तक ये इंतजार कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार प्रहलाद गुंजल जीत पाएंगे? जीतेगा प्रहलाद गुंजल। क्या कारण है? सभी आदमी बढ़िया आदमी जी। ओम बिरला जी का 10 साल का कामकाज कैसा रहा? काहे भी काम नहीं हुआ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ तो काम वहां तो जो भी कार्य करो ना वो सब नष्ट करो गिरे मांगे लिए सत्यानाश कर दे। क्या क्या यहाँ की समस्याएं थी, मांगे थी, आपको लगता सांसद पूरी करे पर करी नहीं? कुछ भी नहीं किया उन्होंने तो। उन्होंने तो कोई बच्चा बच्चे और दे लड़के स्कूल में पढ़ने आते हैं उनसे छेड़छाड़ करते हैं तो गुंजल जी थाने में फोन करते हैं कि बस मामला रुपए दबक रो जा करते हैं ये करते हैं गुंजल जी तो यहाँ की लड़के पढ़ने के लिए भी मुश्किल के लिए तो घर बैठा नहीं पड़ेगी। तो गुंजल जी नहीं वो बिरला जी। बिरला जी क्या लग रहा है इस बार प्रहलाद गुंजल कितने मार्जिन से जीत सकते हैं अगर जीतते हैं तो? 2 लाख रुपए 2 लाख वोटर्स। क्या कारण है कि वो इतने वोटों से जीते? बिरदौन सारा हमारा सफरा का पैसा खा गया 153,000 पैसे खा गए वो खा गए बदरी सरपन उन दबा मिले तो वो जैनन सारा दबा मिले ओम बिरला के सरपरस्ती में। हाँ उनकी परिस्थिति में छोटा भाई बनता है उसका। अच्छा अब आर्य को बढ़िया है एक बात पूछता हूँ। 10 साल से जीत रहे हैं फिर जीतने का क्या कारण है? कहीं को वो जीतो को दिया बिरला जी लीजिए ना 200 वोट में लगा यहाँ 200 भी ना मिला 200 वोट कि नहीं ओम बिरला बिरला जी कौन जीत रहा है? प्रहलाद गुंजल जीतेगा ना भारी मतों से। क्या उम्मीद है प्रहलाद गुंजल से जीतते हैं तो? प्रहलाद गुंजल जीतेगा यहाँ से। क्या उम्मीद है उनसे वो जीतते हैं तो? ईमानदारी उनके साथ में। पार्टी ने बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए वो। प्रहलाद गुंजल जीतेंगे यहाँ से तो? पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में आए बीजेपी से, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, क्या कारण? सम्मान नहीं था वहाँ उसका, बीजेपी से सम्मान नहीं था इस बार से कांग्रेस में आए वो। कैसे लगा आपको ये सम्मान नहीं था? वो क्या मतलब दमदार आदमी था, बोलने में था वो बोलने नहीं देते उसको, ईमानदार नेक आदमी था वो। बोलने से बीजेपी में समस्या है? युवाओं से भी जानेंगे क्या कारण है, कौन जीत रहा कोटा गुंजल? प्रहलाद जी गुंजल जीत। क्या कारण है? कारण ये है कि वो एक तो युवाओं के लिए खड़े रहते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ओम बिरला जी ने 10 साल में लगभग 10 साल हो गए उनको सांसद बनाते बनाते, फिर भी वो कुछ नहीं करा पाए। आज के टाइम में कोटा बूंदी की लोग जो जनता है इतनी परेशान है उनसे। कोटा की बात ले ले तो कोटा में उन्होंने 1 रुपये का काम नहीं करवाया। जो काम करवाए वो पास ही हुए हैं लेकिन कागजों में हुए हैं, हकीकत दरा तल पे कुछ भी नहीं हुए। हमारी पंचायत में उन्होंने काफी टाइम पहले जो पुलिया टूट चुकी थी उसके लिए भी हमने बहुत बार प्रयास किए लेकिन उन्होंने कोई निष्पक्ष जवाब नहीं दिया ना उसका कोई बजट दिया। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक साहब राम नारायण जी ने बहुत मेहनत करके उसके लिए बजट पास करवाया था, राज्य सरकार से पैसे दिलवा के उसका काम चलवाया था जो अभी रुकवा दिया बिरला जी ने। और झांसा देते आए हैं लगभग 10 साल से लोगों को, वही नहीं बिरला जी ने पूरी केंद्र सरकार झांसा देती आई है और झांसा ही देती रही है। सिर्फ उन्होंने योजनाओं के नाम भी योजनाओं के नाम बदले हैं, बाकी योजनाएं लागू कुछ नहीं की। चिरंजीवी योजनाएं जो चलती थी अभी जो योजनाओं का नाम बदल दिया, लोग परेशान हो रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा उनका। छात्रवृत्ति जो युवाओं की मांग है, छात्रवृत्तियों से जो पढ़ाई करते थे गरीब मजदूर जो वर्ग के उनके लिए छात्रवृत्ति आ नहीं रही, तो इस हिसाब से सभी लोग बाग परेशान हो रहे हैं। इस बार सरकार बदलना चाहते हैं, लोग बागों का मानस बन चुका है कि इस बार सरकार बदलेगी, केंद्र सरकार बदलेगी। बजट पारित हुआ है, पैसा कहाँ गया फिर वो काम? बजट पारित हुआ है, अगर उनका व्यक्ति यहाँ पे नहीं बैठता स्थानीय तो वो काम को होने नहीं देते। सरकार बदल जाती है, कागजों में चला रहता है, आगे खिसकता रहता है, काम को होने नहीं देते। क्या उम्मीद है प्रहलाद गुंजल से? प्रहलाद गुंजल से हमें उम्मीद है कि वो गरीबों के लिए काम करेंगे और हमेशा वो कार्यकर्ता के लिए गरीबों के लिए खड़े रहते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता है आप? हाँ कांग्रेस कार्यकर्ता। कब से? ये हो गए 15 साल, 15 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। 15 साल से कर रहे हैं, अभी भी प्रहलाद गुंजल नए नए आए हैं, उनको टिकट मिल गया, क्या लगता है हताशा नहीं की अब पुराने लोग हैं उनको नहीं मिल रहा, नए को मिल रहा है? नहीं उन पे उनके गए वो जो कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुए हैं वो भजन लाल कचाम बन गयो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री क्यों बनियो? कैसे मुख्यमंत्री हो ना चोर कहीं ना जाना पाल का एमएलए बनता है मुख्यमंत्री बन गयो। अच्छा नहीं उनका काम काज? अरे वो ये कहीं ना होता वो ना गुजर था ना गुजर वो एमएलए से कबारो है
कौन सा एमएलए? अच्छा आदमी की तलाश है, बाहर चेतन जी पटेल डायरेक्टर में खड़ा हुआ जीतया, तो बाद में एमएलए में भी जीतया। तो यहाँ लोग को तो पूरा प्रयास है हमारे लिए, तो प्रेम गुजर बना दो ना, पूछे यहाँ को काम कर बालो, पुलिस में फोन कर दो। ये मज्जन लाल जी, आपके मुख्यमंत्री कैसे बन गए उनको जानकारी नहीं, मतलब आपने अब तक देखा 3 महीने में कैसा उनका यहाँ का जगह नाम आया था, खटिया जानकारी किसको बनना चाहिए था फिर मुख्यमंत्री? वो करोड़ी बन तो वो सुंदरा बन जाती, बेहतर कौन होता? बेहतर कौन होता? बेहतर तो करोड़ी भी बढ़िया, वसुंधरा भी बढ़िया। काम दो साल का कार्य, 3 साल का कार्यकाल रहा है, बढ़िया काम किया था। वसुंधरा लाल शर्मा को जो बनाया है उनको एक तो मुख्यमंत्री टाइप की कोई नॉलेज नहीं है, उनको चलाने वाला हो रहे ऊपर से चलाया जाता है, हैं वो चल रहे हैं चिट्ठी के हिसाब से चल रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है जो निर्णय ले ले लोगों के लिए। अगर इनको कोई दिक्कत आ गई तो ये कह दे जाके तो पहले वहाँ पे ऊपर पूछेगा, उसके बाद इनका काम होगा। ओम बिरला जी का सिस्टम देख लो, ओम बिरला जी का सिस्टम यही है, उनके क्षेत्र में 4 विधायक उनके है, 3 विधायक तो 4 विधायक है तो वो उनके अधीन चलते हैं। अगर किसी का ट्रांसफर गलती से हो गया तो बिरला जी के साइन किए बिना तो काम नहीं होता, मतलब उनकी इजाजत बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो ऐसा प्रशासन किस काम का, ऐसा विधायक भी किस काम का? विधायक होता है कि अपनी शक्तियों का खुद उपयोग कर सके, गुलामी के स्तर पे काम नहीं करना चाहिए। हमारे ओम बिरला जी जो है उन्होंने क्षेत्र के लिए ऐसा कुछ काम, ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया, 10 साल वहाँ 5 साल लोकसभा अध्यक्ष बन के बैठे रहे, ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। कोटा में जो हवाई अड्डा था बहुत बड़ा मुद्दा था, वो नहीं बना पाए वो 10 साल 5 साल में। कितने घर होंगे इस गांव में, कितने घर होंगे इस गांव में? 2000 के लमसम वोट है। किस जाति समुदाय के लोग रहते हैं? सभी जाति। ज्यादा किसके बहुतायत में ज्यादा किसके हैं? मीणा और बैरवा है। मीणा और बैरवा, क्या लगता है जातीय समीकरण प्रहलाद गुंजल का साथ देगा? कोटा समीकरण यही है कि 3 लाख वोटों से प्रहलाद गुंजल चुनाव जीतेगा, इस बार जीतेंगे। 2000 वोटों से कांग्रेस की हमेशा जीत होती है, और होगी 2000 पूरे के पूरे? नहीं नहीं, 300-400 वोट निकलते हैं बीजेपी की, 200 निकलेंगे, 150 वोट लास्ट है यहाँ से। चेतन जी पटेल के सामने 400 वोट निकले थे, अब की बार 200 या 150 वोट से ज्यादा निकले। किसे निकलेगा वोट यार? तो ये है पीपलदा ग्राम विधानसभा में ग्राम पंचायत के लोग, जनता रात के 12 बजे तक प्रहलाद गुंजल से उम्मीदें लगाए उनकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। सांसद 10 साल से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यकाल से निराश हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी खासे निराश है यहाँ के लोग। बने रहिए हमारे साथ कोटा बूंदी लोकसभा के और अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।